मूवी स्टार्ट होती है और स्टार्ट में हमें तीन लड़के दिखाए जाते हैं। ये तीनों एक दूसरे के दोस्त हैं और इनमें से एक लड़का अपनी पास बैठी लड़की को इनमें से एक की कहानी बता रहा है। वो बताता है कि उसकी बहन का किसी ने मर्डर कर दिया था और उसी का कातिल ढूंढने के लिए वो लोग इस क्लब में आए हैं। साथ ही में वो अपने एक दोस्त काय के बारे में भी बताता है कि उसके पास इंसानों से ज्यादा पावर्स हैं। एक दिन उसकी लड़ाई स्पिरिट वाले लोगों से हुई थी जिन लोगों ने उसे अपनी पावर्स दे दी थी। वो बताता है कि वो आखिरी वो सिन है जिसके पास आम इंसानों से कई ज्यादा पावर्स होती हैं। अब ये लड़की भी मैजिकल थी और चाइनीज वैम्पायर्स की फैमिली से थी। अब ये लड़का जो सारी स्टोरीज को सुना रहा है ये भी इसके बारे में सब जानता है और फिर इसकी उसी लड़की के साथ फाइट दिखाई जाती है और इसके दोस्तों की भी फाइट दिखाई जाती है जो कि क्लब में मौजूद एक लड़के से होती है। अब जब ये लोग उनके हार्ट पर अटैक करते हैं तो ये लड़की जिसको कहानी बताई जा रही थी और वो लड़का दोनों गायब हो जाते हैं। इसके बाद क्लब में मौजूद लोग सभी पॉज हो जाते हैं जैसे कि उनके आसपास का वक्त रुक गया हो। भी वहाँ पर एक पावरफुल इंसान इन लोगों को एक मैसेज देता है और इन्हें मिलने का कहता है। ये लोग पूछते हैं कि तुम हमसे क्यों मिलना चाहते हो, तो ये आदमी कहता है कि जब तुम मेरी बताई हुई जगह पर मिलने आओगे तभी मैं बताऊंगा कि मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता था। अब ये लोग उस आदमी की बताई हुई जगह पर उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और वो जगह थी एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि वो इंसान चला रहा था और ये आदमी बहुत ज्यादा अमीर था। ये एक डॉक्टर था और वो अपना नाम विलियम बताता है। अब विलियम काय और उसके दोस्तों को बताता है कि क्या तुम उस पहले इंसान को जानते हो जिसने कि ये दुनिया, ये आसमान और ये पूरी कायनात बनाई। वो कहता है कि जमीन पर जो पहला इंसान था जिसने सब कुछ बना लिया तो फिर उसे लालच आ गया और वो पहले से ज्यादा पावर्स लेना चाहता था, लेकिन तभी दूसरे इंसान ने वू साओ की मदद से पहले इंसान को मार दिया। वो बताता है कि वू साओ की नस्ल चलती आ रही है और अब वू साओ का आखिरी आदमी ही रह गया है। फिर इसके बाद वू साओ की नस्ल खत्म हो जाएगी और आपको मूवी के स्टार्ट में बता दिया गया है कि काय ही वू साओ है जो कि आखिरी वू साओ है। वो बताता है कि जब दुनिया के पहले इंसान को मारा गया था तो दो इंसानों ने उसकी मदद की थी ताकि उस पहले वाले ज्यादा पावरफुल इंसान को ना मारा जाए, मगर वो मर गया और आज तक वो दो इंसान लड़ रहे हैं और वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पहला इंसान वापिस आ सके। इसके बाद वो हैरान कुन बात तो ये बताता है कि उसकी अपनी बहन उन दो लोगों के लिए काम कर रही है जिन्होंने पहले इंसान को बचाना था। वो बताता है कि उसकी बहन खुद को इस शहर की मलिका समझती है और साथ ही साथ आसपास के लोगों की एनर्जी को कंज्यूम करती है जिससे कि उसको पावर मिलेगी और वो दुनिया के पहले इंसान को वापिस ला सकेगी। इसके बाद वो बताता है कि उसकी बहन आखिरी वो असासन की भी एनर्जी को एब्सॉर्ब करना चाहती है और वो बताता है कि वो असासन को वो मारने भी गई थी यानी के काय को, मगर तब काय के दोस्त की बहन उसके सामने आ गई और उन दोनों की फाइट हुई जिसकी वजह से काय की दोस्त की बहन का मर्डर हो गया यानी के उसने उसे मार दिया। वो बताता है और जब तुम्हारे दोस्त की बहन को मारा गया था तो तब मेरी बहन ने वहाँ पर अपना तलिस्म छोड़ दिया था जिसका दूसरा तलिस्म मेरे पास है और ये इस बात का सबूत है कि मैं सच बोल रहा हूँ। अब वो उनसे कहता है कि अगर तुम उस लड़की का बदला मेरी बहन से लेना चाहते हो तो तुम उससे थ्राइड की मीटिंग में मिलो, वहाँ से तुम उसको किडनैप कर लेना। अब ये तीनों वापिस आ जाते हैं। काय इनसे कहता है कि मैं तुम दोनों को मीटिंग में लेकर नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर तुम लोगों के लिए खतरा है, मगर ये दोनों दोस्त राजी नहीं थे कि काय वहाँ पर अकेला जाए। तभी वो दूसरा दोस्त जो उस मूवी के स्टार्ट में लड़की को कहानी सुना रहा था वो ज्यादा बजित था कि वो मीटिंग में जाना चाहता है। अब ये तीनों मीटिंग में जाने का प्लान करते हैं। इनको एक और लड़की भी ज्वाइन करती है जिसका नाम प्रिया है। ये लोग मीटिंग में जाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी इन्हें पहचान नहीं पाता, लेकिन कू को खबर हो जाती है कि ये लोग इसको किडनैप करने आए हैं। वहाँ पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो जिन लोगों के साथ मीटिंग कर रही थी जो उसके बॉस थे उसको मारकर उसकी एनर्जी को ही कंज्यूम कर लेती है और साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को पोजेस कर लेती है और उनको ये ऑर्डर देती है कि ये इन तीनों को मार दें। अब ये सब लोग कू के हुक्म पर चल रहे थे क्योंकि कोई भी अपने होश में नहीं था। अब यहाँ पर ये तीनों दोस्त उनसे बचकर निकल रहे थे जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। कू दरअसल उस अमीर इंसान की बहन है जो दुनिया के पहले इंसान को वापस लाना चाहती है। इसके अलावा वो काय की एक जानने वाली लड़की को भी काय को मारने के लिए कह देती है। वो उसको कहती है कि अगर तुम काय को मार दोगी तो मैं तुम्हारी पावर्स को बढ़ा दूंगी। अब वो भी काय के सामने आ जाती है उसको मारने के लिए। इन दोनों के दरमियान में फाइट होती है
अब इनका इन सब में से निकलना मुश्किल था क्योंकि सभी लोग इनके पीछे पड़े हुए थे। अगर ये लोग अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ पर विलियम की बहन अपने लोगों के साथ इनका पीछा कर रही होती है। आगे भी कई बार इन लोगों की फाइट होती है, मगर ये भागते भागते अब आखिरकार प्रिया के गाँव में पहुँच जाते हैं, जो कि इन तीनों लड़कों में से एक की दोस्त है। अब वहाँ पर इन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त का ऑफिसर जानने वाला था, जो वक्त पर पहुँच गया और उन्होंने इन्हें वक्त पर गांव में पहुँचा दिया। अब प्रिया वहाँ पर मौजूद इन्हें एक पादरी से मिलवाती है। ये पादरी काय को एक ब्रेसलेट देता है और उससे कहता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारी हिफाजत करेगा। और तो और इस गांव में एक स्पेल था जिससे इस गांव के इर्द गिर्द एक शील्ड बनी हुई थी और ये स्पेल एक पेज पर लिखा हुआ था। अब इसी वजह से विलियम की बहन और उसके आदमी इनको यहाँ पर मारने के लिए नहीं आ सकते थे। ये लोग यहाँ पर सेफ थे। रात को ये सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और सभी बहुत ज्यादा खुश थे, मगर पादरी काय को बताता है कि विलियम ने तुमसे झूठ बोला है कि वो अपनी बहन के साथ नहीं है, मगर हकीकत तो ये है कि दोनों मिलकर काम करते हैं और इन दोनों का मकसद दुनिया के पहले इंसान को वापस लाना है, जिसके बाद ये लोग इस दुनिया को नए सिरे से बनाएंगे और फिर इसको अपने हुक्म के मुताबिक चलाएंगे। वो बताता है कि इसके लिए उन्हें काये तुम्हारी एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि तुम वुआसन की फैमिली से हो और तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा है। पर अब वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गाँव में मौजूद स्पेल तुम्हारी हिफाजत करेगा और कहता है कि जब तक मुकम्मल तुम तैयार नहीं हो, तुम इस गाँव से बाहर नहीं जाना। अब ये लोग तो यहाँ पर सेफ थे, पर बात जब भी करती है वो प्रिया लड़की को विलियम की बहन आकर कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी फैमिली की डेथ हो गई थी और अब तुम इस पादरी के साथ रहती हो, मगर अब भी अगर तुम चाहो तो तुम्हारी फैमिली वापस आ सकती है। एक तरीके से वो प्रिया को लालच दे रही थी। वो प्रिया से कहती है कि अगर तुम अपनी फैमिली को वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें इस गांव से स्पेल को हटाना होगा। अब प्रिया जो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा रोती थी, उनको याद करती थी, वो बहकावे में आ जाती है और गांव से उस स्पेल को खत्म कर देती है और साथ ही साथ विलियम की बहन के कहने पे थेलिसम भी चुरा लेती है और साथ ही साथ वो विलियम की बहन और उसकी आर्मी को भी गांव में आने देती है। अब ये थेलिसम वही था उन तीनों दोस्तों में से एक की बहन को मारते हुए उसके पास रख दिया था। अब वहाँ पर इन सब के दरमियान फाइट होती है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इनको ये भी पता चल जाता है कि ये सब कुछ प्रिया ने किया है। प्रिया ने इनको धोखा दिया था, उसी ने वो थेलिसम जाकर विलियम की बहन को दिया है और उसी ने वो मैजिक हटा दिया है, जिसकी वजह से आर्मी उन्हें मारने के लिए आ गई है। अब यहाँ पर काफी ज्यादा फाइट होती है और ये लोग तो यहाँ से भाग जाते हैं। अब इन सब के जाने के बाद पादरी इन सभी लोगों से लड़ता है और लड़ते हुए उस पादरी की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ प्रिया को भी विलियम की बहन पकड़कर अपने साथ ले जाती है, उसे ये लालच देकर कि हम तुम्हारी फैमिली को वापस लाएंगे। अब ये तीनों बहुत ज्यादा परेशान थे। वो कहते हैं कि हमें एक अनजान लड़की को यकदम अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहिए था और ना ही उस पर इतना ट्रस्ट करना चाहिए था, और अब ये लोग एक दूसरे से लड़ भी रहे थे। इनमें से एक दोस्त इनको बताता है कि जहाँ पर विलियम ने अपनी कंपनी बनाई हुई है, वहाँ पर दुनिया के पहले इंसान को वो असस्म ने मारा था। अब इस राज का पता लगाने के लिए ये लोग उसी जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँच कर इन्हें प्रिया भी मिलती है, जो अपने किए गए जुर्म पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। वो इसलिए क्योंकि उसको पता चल गया था कि पादरी की डेथ हो गई है और उसे विलियम की बहन के लोगों ने ही मारा है। वो इन सब से माफी मांगती है और कहती है कि इसमें मेरी ही गलती है, मुझे लालच दिया गया था कि मेरी फैमिली को वापस लाया जाएगा। दूसरी तरफ वो लड़की जिसको विलियम की बहन ने ये लालच दिया था कि तुम काय को मार दो, इसके बदले में मैं तुम्हें पावर्स दूंगी, वो काय से फाइट करती है। पर तभी काय उस ब्रेसलेट का यूज करता है जो उसको पादरी ने दिया था उसकी हिफाजत के लिए। ये ब्रेसलेट काय की हिफाजत करता है जब वो लड़ रहा था। जब इस फाइट का एंड हो रहा होता है तो काय उसी लड़की को ये ब्रेसलेट पहना देता है। वो उस ब्रेसलेट की एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। काय अब उसको मार देता है। दूसरी तरफ अब विलियम भी इनके सामने आ जाता है। वो इनके साथ फाइट करता है और इनमें से एक दोस्त को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है, साथ ही साथ काय से भी फाइट करता है और फाइट में काय की एनर्जी अब्सॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है। वो इन दोनों थेलिसम को मिलाता है और इसके बाद वो दुनिया के पहले इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई थी और वो अब किसी भी इंसान को पोजेस भी कर सकता था। तो काय का वो दोस्त जिसको उसने पहले मारा था और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, वो बेहोश पड़ा था। काय उसको जगाने की कोशिश कर रहा था,
तो यहाँ पर ये जो दुनिया का पहला इंसान काय के दोस्त को होश में लाता है और उसको पोजेस कर लेता है। अब काय का दोस्त उसी पर अटैक कर देता है। वो अब दुनिया के पहले इंसान का हुक्म मान रहा था और काय पर ही अटैक कर रहा था। अब इन दोनों दोस्तों के दरमियान में फाइट हो जाती है। वो पहला इंसान बहुत ज्यादा खुश था, इन दोनों पर हंस रहा था, मगर वो अपने पावर के नशे में काय की ताकत और इन दोस्तों की दोस्ती को इग्नोर कर देता है। और यहाँ पर काय अपनी पावर से अपने दोस्त को होश में ले आता है। वहाँ पर प्रिया उस दूसरी लड़की के साथ मिलकर थेलिसम को तोड़ देती है। और ये पहला इंसान काय के साथ एक मैजिकल दलदल में जा रहा था। वो काय को भी अंदर कर रहा होता है। इस दलदल की दूसरी तरफ अलग ही दुनिया थी। उसके दूसरे दोस्त उसको उस दलदल में जाने नहीं दे सकते थे। इसके लिए वो अपने दोस्त की तरफ रस्सी फेंकते हैं ताकि वो गलती से किसी और दुनिया में ना चला जाए। वहाँ पर दूसरा दोस्त भी वो रस्सी पकड़ता है और अपने दोस्त की मदद करने के लिए उस दलदल में चला जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों दोस्त मिलकर उस पहले इंसान से फाइट करते हैं। काय अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उस पहले इंसान के दिल पर अपना हाथ लगाता है, जिसके बाद वो तड़पने लगता है और फिर वो मरकर वहाँ से गायब हो जाता है। और यहाँ पर ये दोनों इन दोनों को उनके दोस्त बाहर खींच लेते हैं। और आखिरकार इन लोगों ने दुनिया के पहले इंसान को मार दिया था और इनकी जीत हुई। मूवी के लास्ट सीन में हमें काय को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों को बता रहा था कि उसने नए मिशन पर निकलना है। उसका अगला मिशन ये है कि एक जादूगर है जो कि दुनिया में तबाही लाना चाहता है और उसका केस पिछले केस से मिलता जुलता है और उसके बारे में ढूंढने के लिए अब उसको अपने अगले मिशन पर निकलना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।